सब्सक्राइब करें नविता'स किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते हमारी नई रेसिपी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पापड़ी ली है। फ्रेंड्स, ये होममेड पापड़ी है। इसको बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को फॉलो कर सकते हैं। 3 उबले हुए आलू, इनको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 से 5 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच पुदीने की चटनी, आप इसकी जगह पे धनिये या हरी मिर्च की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी, इन दोनों चटनी के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आलू भुजिया, आप कोई भी नमकीन इसमें यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है चाट के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो चले पापड़ी चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले दही को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही में चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर रख लेंगे चाट के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। अब इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, हमने चाट के लिए जो दही लेना है उसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। दही तैयार हो चुका है तो चले चाट बनाना शुरू करते हैं। 1 सर्विंग प्लेट लेंगे, उसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे। अगर आप आलू ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पापड़ी डाल देंगे, क्योंकि ये पापड़ी चाट है तो इसमें पापड़ी ज्यादा रहेगी। इसको हम इस तरह से प्लेट में रख देंगे चारों तरफ और इसको हाथ के साथ इस तरह से क्रश कर देंगे। अब इसके ऊपर हम दही डाल देंगे जो हमने बनाया था, और साथ ही में थोड़ी सी पुदीने की चटनी डाल देंगे और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा आलू भुजिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पापड़ी चाट बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी इसको घर पर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।